दोस्तों ये बात तुम लोग जानती हो कि इन दिनों बॉलीवुड के रोमांस के असली बादशाह यानी कि एक्शन के उभरते हुए असली किंग शाहरुख खान अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि डंकी को सिनेमा घरों में एक तरफ लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो दूसरी तरफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल बाहुबली यानी कि डार्लिंग प्रभास अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि सलार को भी सिनेमा घरों में रिलीज कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी कि इन दोनों फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होने वाला है 21 और 22 तारीख को। और भैया इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म के मेकर्स जो है ना भैया अपनी फिल्मों को सुपर से ऊपर बनाने के लिए बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। यानी कि इन दोनों फिल्मों के मेकर जो है वो अपनी अपनी फिल्मों का प्रमोशन अलग अलग लेवल पर कर रहे हैं मेरे भाई। और दूसरी तरफ भैया इन फिल्मों के जो दीवाने हैं, इन कलाकारों के जो दीवाने हैं भाई, वो अपने कलाकार को सुपर से ऊपर बनाने के लिए अपने तरफ से भैया एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। और भाई इन लोगों के जोर को देखने के बाद तो भाई बॉलीवुड के भी बड़े बड़े मेकर ये बात कहने पर मजबूर हो गए हैं कि भैया इस लेवल पर हमने किसी भी फिल्म का प्रमोशन होते हुए नहीं देखा था भाई बॉलीवुड में। तो भाई क्या हो रहा है इन दोनों फिल्मों को लेकर, क्या खास हुआ है आज इन दोनों फिल्मों को लेकर, चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज एक्शन में। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भाई आज तक आपने शाहरुख खान की ऐसी कोई फिल्म देखी है जिसको देखने के लिए आपको सुबह सुबह ही बिस्तर छोड़कर सिनेमाघर तक पहुंचना पड़ा हो, अगर आप लोग मुझसे ये सवाल पूछोगे तो मैं आप लोगों से ये बात बहुत ही ईमानदारी से कह सकता हूं कि भैया जब तक मैं मुंबई में रहता था भाई मैंने ऐसी कोई भी फिल्म शाहरुख खान की नहीं देखी थी जिसको देखने के लिए हमें सुबह सुबह ही सिनेमाघरों तक पहुंचना पड़ा हो। यानी कि भैया हम लोगों ने शाहरुख खान की जितनी भी फिल्में मुंबई में देखी थी या तो वो 8 बजे का शो था या तो 9 बजे का शो था या तो 10 बजे का शो था, लेकिन भाई शाहरुख खान की एक फिल्म हाल फिलहाल में रिलीज हुई थी जिसका पहला शो सुबह के 6 बजे लगा था मुंबई में, तो भैया वो फिल्म कौन सी थी? तो भाई वो फिल्म थी जवान। और भाई अगर मैं अपने शहर की बात करूं तो भाई मैंने जवान को अपने शहर में सुबह के 8 बजे के शो पर देखा था मेरे भाई। उससे पहले पठान को मैंने पटना में देखा था यानी कि हाजीपुर में जाकर देखा था 11 बजे के शो में। तो दोस्तों पहली बार शाहरुख खान के किसी फिल्म के साथ ऐसा हुआ था कि उनकी कोई फिल्म सुबह 6 बजे लॉन्च की गई थी सिनेमाघरों में, और वो सिनेमाघर थी मुंबई की जो कहते हैं ना कि फिल्मों का मंदिर यानी कि जीटी गैलेक्सी। अब भाई शाहरुख खान की आने वाली फिल्म डंकी को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भैया इस फिल्म के दीवाने यानी शाहरुख खान के जो सबसे बड़ा फैन ग्रुप है SRK यूनिवर्स, भाई वो इस फिल्म का पहला शो करवा रही है जीटी गैलेक्सी में सुबह के 5:55 पर। यानी कि जवान से थोड़े मिनट पहले इस फिल्म को लॉन्च किया जाएगा सिनेमाघरों में। यानी कि जवान जो था वो 6 बजे वहां पर रन किया गया था और ये फिल्म जो है वो 5:55 पर लॉन्च किया जाएगा। यानी कि शाहरुख खान के लाइफ की ये वो पहली फिल्म बनने वाली है जो कि इतने सुबह सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। और आपको दोस्तों एक और खास बात बताता हूं कि इससे पहले बॉलीवुड के किसी भी स्टार की फिल्म इतने सुबह सिनेमाघरों में लॉन्च नहीं की गई थी। और वहीं पर अगर मैं बात करें कि भैया आपने भैया बॉलीवुड के किसी ऐसे कलाकार का इतना बड़ा पोस्टर देखा है कि भैया 120 फीट ऊंचा पोस्टर लगाया गया हो मुंबई में, आपने बॉलीवुड के किसी भी फिल्म के कलाकार का ऐसा पोस्टर देखा था? अगर आप लोग मुझसे यह सवाल पूछोगे तो भाई जब तक मैं मुंबई में था मैंने तो बॉलीवुड के किसी भी कलाकार का इतना बड़ा पोस्टर नहीं देखा था मुंबई के किसी भी सिनेमाघरों के आगे। अब भाई सलार को लेकर सलार के मेकरों ने एक बहुत बड़ा कारनामा किया है कि भाई उन लोगों ने सलार का 120 फीट ऊंचा पोस्टर लगाया है मेरे भाई मुंबई के एक सिनेमाघर के बाहर, जो कि एक अचंभे से कम नहीं है। यानी भैया दोनों फिल्म के मेकर भाई अपने अपने फिल्मों का प्रमोशन जो है वो अलग लेवल पर कर रहे हैं। और भाई इनके लेवल को देखने बाद ही ये बात कही जा रही है कि भैया इस स्तर पर आज तक किसी भी फिल्म का प्रमोशन बॉलीवुड के मार्केट में नहीं किया गया था। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो भाई यहां पर इन दोनों कलाकारों का, इन दोनों फिल्मों के डायरेक्टर का जो कहते हैं ना भैया इज्जत दांव पर लगा है मेरे भाई। यानी कि भैया शाहरुख खान अपनी इस फिल्म के माध्यम से अपना पुराना हिसाब किताब पूरा करना चाहते हैं प्रशांत नील से, जो कि भैया आप लोगों को याद ही होगा जब जीरो सिनेमाघर में रिलीज हुई थी और KGF चैप्टर 1 ने जीरो को पूरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर जीरो साबित कर दिया था। और इस बार शाहरुख खान कुछ यही मन बनाकर आए हैं कि भाई इस बार हम सारा पुराना हिसाब किताब जो है ना वो पूरा कर लेंगे। और इधर भाई शाक दाव पर लगी है प्रशांत नील की, क्योंकि उनके सामने राजकुमार हिरानी है अपनी फिल्म को लेकर। तो भाई कौन सा डायरेक्टर किस पर हावी होगा, क्या एक बार फिर से प्रभास का जलवा चलेगा, क्या वो शाहरुख खान को जवाब देने पर कामयाब रहेगा, ये सारी चीजें
लोग देख रहे हैं मेरे भाई। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन दोनों फिल्मों का प्रमोशन जो है वो अलग ही लेवल पर किया जा रहा है। तो भाई मजा आ रहा है इन दोनों फिल्मों के प्रमोशन को देखने के बाद, और ऐसा लग रहा है कि दोनों फिल्मों के जो मेकर है वो किसी भी मामले में पीछे नहीं रहना चाहते हैं। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जाने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मान्य अपडेट्स को जाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।